आइए स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 6 स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्ति, के नियुक्तिकरण, कैसे नियुक्ति की जाए किसी की भी। तो वी नो दैट हमने जो है ये जो स्टाफिंग है, जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है, इसकी थर्ड प्रोसेस है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की थर्ड प्रोसेस। पहली प्रोसेस तो प्लानिंग है, प्लानिंग कर ली हमने, उसके बाद में प्लान बन गया हमें करना क्या है, तो फिर उसे इम्प्लीमेंटेशन कराना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या फंक्शंस होंगे उसके, स्ट्रक्चर बनाना है, क्या स्ट्रक्चर्स होगा, फ्रेमवर्क क्या होगा उसका। तो ये सारी बातें हमने ऑर्गेनाइजिंग में सीखी। ऑर्गेनाइजिंग के बाद में थर्ड स्टेप और मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में क्या है, पहले हमने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद में ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें के बाद में हम स्टाफिंग करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण और वेरी असेंशियल प्रोसेस होती है, जो मैनेजमेंट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कौन करेगा उनको प्राप्त, तो उनको स्टाफ करता है। जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी प्लान में डिसाइड किया गया है उसे अचीव करेगा कौन, स्टाफ हमारा। तो अब स्टाफ कैसे, उनकी स्टाफिंग हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के कार्य के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो है पोस्ट स्थापित की जाती हैं, एस्टेब्लिश की जाती हैं, जबकि नियुक्तियों द्वारा उन पदों को, उन पोस्टों को भरा जाता है। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन में स्थापित जितने भी पोस्ट हैं, जब तक कि योग्य व्यक्तियों से नहीं भरे जाएंगे, तब तक हम प्रबंधक के अंदर जो प्लानिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट निर्धारित किया है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मान लो हमने कोई एक बंदा भी अगर गलत फर्म में अपॉइंट कर लिया, स्टाफिंग कर ली हमने, उसकी रिक्रूट कर लिया, तो वो हमारे एंटरप्राइजेस के पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देगा, जिसका लॉस जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा। तो वही है, आफ्टर मीनिंग पढ़ेंगे इसका, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। आफ्टर हैविंग स्टडीज द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इट इज नाउ टू इम्पोर्टेंट टू टेक केयर द थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोस्ट क्रिएट की जाती हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स टू द एंटरप्राइजेज, जिससे कि एंटरप्राइजेज के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। वाइल दोज पोस्ट कम्स अलाइव एंड गेट एक्टिवेटेड बाई स्टाफिंग, जिनको हम कैसे भरते हैं, जिनको हम स्टाफिंग के माध्यम से पूरा करते हैं। तो ये मीनिंग ऑफ द स्टाफिंग में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ऑल द पोस्ट क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मीनिंगलेस, जितनी भी पोस्ट क्रिएट की जाएंगी वो ऑर्गेनाइजेशन में वो सब बेकार हैं, जब तक कि अनलेस दे आर स्टाफ बाई कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स,
जब तक कि हमारे पास कॉम्पिटेंट जो है स्टाफिंग नहीं होगी। दिस फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल द अदर फंक्शन। ये सारे फंक्शनों से, जितने भी अदर फंक्शन हैं उनसे सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। बिकॉज एनी मिस्टेक कमिटेड इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, अगर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, मे नॉट बी एज हार्मफुल, उससे इतनी हानि नहीं होगी एज द मिस्टेक कमिटेड टू स्टाफिंग, जितने की मिस्टेक होगी किसी गलत स्टाफ को स्टाफिंग कर लेने से। अ सिंगल रॉन्ग अपॉइंटमेंट कैन बी विटल द होल एटमोसफेयर इन द एंटरप्राइजेज। कोई सिंगल अगर अपॉइंटमेंट हमने ऐसा कर लिया तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो हमारे एटमोसफेयर को ख़राब कर सकता है। अब अ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टाफिंग, अब इसके बाद में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्टाफिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, उन पर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करना, उसको ज्वाइन कराना स्टाफिंग कहलाता है। इट मीन्स दैट मोर कैपेबल पर्सन आर अपॉइंटेड ऑन मोर इम्पोर्टेंट पोस्ट, यानी कि मोर कैपेबल पर्सन को मोर कैपेबल पोस्ट पर, इम्पोर्टेंट पोस्ट पर लगाया जाना ही स्टाफिंग है। एंड कॉम्परेटिवली लेस कॉम्पिटेंट कैन बी अपॉइंटेड ऑफ लेस इम्पोर्टेंट पोस्ट, यानी उससे अगर कम महत्वपूर्ण पोस्ट है तो उस पर उससे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपॉइंट किया जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ऑल द फंक्शंस अंडरटेकन टू एस्टेब्लिश, ऑल द फंक्शंस अंडरटेकन टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पोस्ट एंड द इंडिविजुअल कम्स अंडर स्टाफिंग। आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों के मध्य में। द चीफ अमोंग दीज आर, ऐसे करते हैं हम। इसके बाद इसमें ये रिलेटेड पॉइंट्स हैं, रिक्रूटमेंट के बाद में सेलेक्शन है, सेलेक्शन के बाद में ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, ट्रांसफर एक्सेप्ट्रा, तो ये है। इसके बाद में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। स्टाफिंग जो होती है वो किसी ह्यूमन बीइंग्स की ही की जाती है, किसी व्यक्ति विशेष की ही की जा सकती है। व्यक्ति किसी माल की या किसी अन्य चीज़ की हम जो है स्टाफिंग नहीं कर सकते। तो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टाफिंग इज इट्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, ह्यूमन बींग से। इट मीन्स दैट अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इज नॉट मोर प्रॉपर वर्कआउट बट इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन द वेरियस पोस्ट। व्यक्ति जितना काम करते हैं, स्टाफ जितना काम करता है, उतना काम प्लानिंग में और उसमें नहीं होता, किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। जितना वर्क जो है ये हमारे स्टाफ करते हैं, जो कॉम्पिटेंट स्टाफ है, कॉम्पिटेंट जो पर्सन है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन जो वेरियस पोस्ट पर हैं वो जितना वर्क करते हैं। तो ऑल द एक्टिविटीज डन टू अकम्प्लिश दिस वर्क आर कनेक्टेड विद द ह्यूमन बींग्स। तो जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इट इज़ कनेक्टेड विद द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड हैं। दे मे बी रिक्रूटमेंट सेलेक्शन ट्रेनिंग प्रमोशन, जैसे कि रिक्रूटमेंट है, सेलेक्शन है,
ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, ट्रांसफर है एंड एक्सेट्रा। ये सारी पोस्ट कैसे भरी जाएंगी? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं, मानवता से रिलेटेड हैं, व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हैं। दूसरा है सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग दैट इट इज सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शंस है, सेपरेट फंक्शंस की तरह काम करता है ये मैनेजमेंट के। और जो है सेपरेट फंक्शन, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शंस मींस दैट फॉर फ्रॉम बीइंग अ मेजर पार्ट ऑफ सम फंक्शंस इट इज इन इटसेल्फ अ मेजर फंक्शन। ये अपने आप में एक मेजर फंक्शन है स्टाफिंग, ठीक है ना। स्टाफिंग इज ऑलरेडी इटसेल्फ द मेजर फंक्शन, पहले से ही मेजर फंक्शंस है मैनेजमेंट का। अगला तीसरा असेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल, हर लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर लेवल पर हमको जो है स्टाफिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना स्टाफिंग के हम किसी भी लेवल पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो स्टाफिंग इज असेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट डज नॉट फ्री द मैनेजर कंसर्न फ्रॉम दिस ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शंस। अकेला मैनेजर ही सारे फंक्शनों को नहीं कर सकता, यानी जितनी भी वेरियस टाइप पोस्ट हैं उन पर हमें कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए ही चाहिए। मस्ट बी रिक्वायर फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ पर हमें रखना ही पड़ेगा किसी ना किसी व्यक्ति विशेष को। डज नॉट फ्री फ्रॉम फ्री द मैनेजर कंसर्न फ्रॉम द दिस ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शंस। द एम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट दिस डिपार्टमेंट इज टू असिस्ट द मैनेजर्स एट वेरी लेवल, एट एवरी लेवल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। तो हमें स्टाफिंग के लिए मैनेजमेंट में स्टाफिंग इज द मोर असेंशियल। तो बहुत असेंशियल होता है, जरूरी होता है मैनेजमेंट में स्टाफिंग को करना, क्योंकि विदाउट स्टाफिंग कैन बी पॉसिबल टू डू द वर्क एंड अचीव द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड मैन इज द सोशल एनिमल। स्टाफिंग जो है वो रिलेटेड है किससे? ह्यूमन बींग से। ह्यूमन बींग से ही उसे जो है व्यक्ति विशेष ही उसे डील करता है। और मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन जो है एक तरह से सोशल एनिमल होता है, जो समाज के मध्य से आता है, समाज की कुछ रिक्वायरमेंट्सों को पूरा करता है, समाज में उठता बैठता है, और समाज से ही हमें स्टाफ मिलते हैं, और बिजनेस भी हम समाज के मध्य ही करते हैं। सिंस इट इज कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग जो होता है वो सोशल, समाज से ही जो है कनेक्टेड होता है। द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शंस इज बॉर्न। जो समाज की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, जितने भी उसके करणीय कार्य हैं उन सबको वो करता है। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर शुड टेक केयर एंड बी
बी इम्पार्शियल वाइल अलोंग थ्रू द एलाइड फंक्शंस ऑफ द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्रमोशन। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसे जो है डिस्चार्ज किया जाता है, मैनेजर शुड टेक केयर, तो मैनेजर अकेला उसको नहीं देख सकता। एंड इम्पार्शियल वाइल गोइंग थ्रू द एलाइड फंक्शंस ऑफ द, तो जैसा कि स्पष्ट है कि कर्मचारी की जब हम स्टाफिंग करते हैं, नियुक्ति करते हैं, तो वो मनुष्य से रिलेटेड होती है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी से संबंधित होने के कारण इस कार्य का सामाजिक उत्तरदायित्व भी उत्पन्न होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधक को ये चाहिए, मैनेजर शुड टेक केयर, यानी कि प्रबंधक को ये चाहिए, मैनेजर को ये चाहिए कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधकों को चाहिए, मैनेजर्स को चाहिए कि इसके अंतर्गत भर्ती की जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए, सिलेक्शन किया जाए, प्रमोशन किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, ये सारे प्रोसेस हैं, ये हमें करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अफेक्ट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफिंग इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। जब भी हम किसी की स्टाफिंग करते हैं तो जो भी हमने स्टाफिंग किया उसका अफेक्ट हमारे बिजनेस पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से पड़ता है। यानी हो सकता है उसके आने से बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा हो, वह बिजनेस के लिए इतना बढ़िया वर्क करे, मोर कॉम्पिटेंट पर्सन है और हमने ठीक उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको नियुक्त किया है, उसकी स्टाफिंग की है, तो वो अच्छे कार्य से जो है हमारी संस्था को ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल लोगों को प्रभावित करता हो, बाहरी लोगों को, जिससे कि उसके टर्नओवर में इंक्रीमेंट होता हो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अफेक्टेड होते हैं किससे, स्टाफिंग से। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज इंक्लूड्स पॉलिसीज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं वो इंक्लूड्स होती हैं इसमें, लाइक द प्रमोशन पॉलिसी, जैसे कि प्रमोशन करके उसे अपॉइंट किया जाए, या डिमोशन पॉलिसी, उसको डिमोशन पॉलिसी अपनाई जाए, या ट्रांसफ़र के माध्यम से। तो दीज आर द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूज फॉर द स्टाफिंग। इफ एज अ मैटर ऑफ द पॉलिसी द वैकेंट पोस्ट आर टू बी फिल्ड अप बाय द प्रमोशन, प्रमोशन के द्वारा वो फुलफिल की जाए, या जो है प्रमोशन के द्वारा फुलफिल की जाए, या फिर जो है किसी अन्य वैकेंट पद को जो है किस तरीके से भरा जाएगा, ये जो है देखा जाएगा। द एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग इन द एंटरप्राइजेज विल हैव अ अपॉर्चुनिटी टू रीच हायर पोस्ट। इससे क्या होगा कि इंटरनल जो है लोग होंगे संस्था में जो काम करने वाले होंगे, प्रमोशन के द्वारा अगर पोस्ट को भरा जा रहा है तो बड़ी पोस्टों पे हम बाहर से रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमें एक्सटर्नल बाहरी लोगों को जो नियुक्त करना है वो हम छोटी पोस्टों पर ही कर सकते हैं। बड़ी पोस्ट पे तो हम प्रमोट करके भेज रहे हैं, किसी को हमें मान लो मैनेजर बनाना है या किसी को अन्य को कोई अन्य पोस्ट देनी है, तो वो
ऑन द बेसिस ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉय विच इज कंटिन्यू इन टू द फर्म वी हैव टू प्रमोट। तो आगे हायर जो पोस्ट होगी वो प्रमोशन के माध्यम से भरी जाएगी, तो वो इंटरनल जो एम्प्लॉय होंगे उनके द्वारा भरी जाएगी, बाहरी व्यक्ति को हम उसमें नहीं रख सकते। तो बाहरी व्यक्तियों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो लोअर पोस्ट पे होगा, तो वो कह रहा आउटसाइड विल बी अपॉइंटेड ओनली ऑन लोअर पोस्ट, केवल लोअर पोस्ट पे ही जो है बाहरी व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट होगा। इन दिस वे द इंटरनल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसी है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अफेक्ट टू फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, जिसका स्टाफिंग के फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटरप्राइजेस, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कैसे अफेक्ट होता है, इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई तो उस पॉलिसी का अफेक्ट एक्सटर्नल होगा। एंड द एजुकेशनल एनवायरनमेंट, और एजुकेशनल एनवायरनमेंट से, इट कैन बी द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइजेज एम्प्लॉय शुड बी रिक्रूट ओनली थ्रू एम्प्लॉयमेंट। तो जो बाहरी व्यक्तियों का जो अपॉइंटमेंट होगा एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, सबसे पहले हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से जो है एडवर्टाइज कराना पड़ेगा और उसी के माध्यम से हम जो है रिक्रूट करेंगे। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट, तो इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, और द एम्प्लॉय बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स, इसके लिए एजुकेशन के माध्यम से किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में एजुकेशनल कैंप लगाए जाते हैं जिससे हम स्टाफिंग करते हैं। इन दिस वे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, तो स्टाफिंग से एक्सटर्नल फंक्शन जो होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्टाफिंग, मीनिंग ऑफ द स्टाफिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टाफिंग वी हैव टू स्टडी नाउ। थैंक यू वेरी मच।